इसीलिए हम नगर पालिका ने गए और आगे भी हम मीटिंग में नहीं जाने के जब तक ईओ साहब माफी नहीं मांगे। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ईओ साहब से हम चाहते हैं कि ईओ साहब हमसे माफी मांगे। जिसको ईओ साहब ने लेकर हमारे पप्पू ग्रेसिया उन्हें बुलाया और उन्हें धमकाया, अगर इन सब मेंबरों को भगा दो अन्य में पुलिस फोर्स बुलाकर इनको धक्के मार के निकाल दूंगा। यहाँ बहुत जाती हो रही है शेरपुर नगर पालिका में, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता शेरकोट नगर पालिका परिषद बिजनौर उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जहां पर 10 जून को कोविड 19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया था, ताकि नगर को संक्रमण से बचाया जा सके। और उसी से संबंधित आज यहाँ पर सभी सभासदों के लिए मीटिंग भी रखी गई, लेकिन खाली कुर्सियाँ और अधिकतर सभासदों की नामौजूदगी बता रही है कि नगर पालिका परिषद में आपस में ही मतभेद चालू है। अगर ये बात सत्य है तो इसका सीधा नेगेटिव असर पड़ेगा नगर के विकास पर और जनता के जीवन पर, जो इस समय शासन एवं प्रशासन के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का सच, बताएंगे हमारे संवाददाता। आज मैं मौजूद हूँ शेरकोट नगर पालिका में, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत कम सभासद मौजूद हैं। इससे पहले भी बोर्ड की मीटिंग में 19 सभासद मौजूद नहीं थे। क्या मतभेद है इस बोर्ड की मीटिंग में ना आने का, इसका सच आज हम आपको दिखाएंगे। इससे हम दूरी बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो हम संक्रमण से विमुक्त हो सकते हैं। और हम लोग अगर सफल हैं तो इसी जो है सोशल डिस्टेंस की वजह से ही बचेंगे। तो आप लोगों को इसीलिए किया गया था, और जो एक निगरानी समिति बनी हुई है और एक कमेटी पहले बनाई गई थी, शुरू में था वार्ड लेवल की समिति जिसमें सफाई अन्य बिंदुओं पर भी था। आप लोग उन समितियों को भी सक्रिय कर लीजिए, अपने अपने वार्डों में अगर नहीं हुआ हो तो एक समिति गठित कर लीजिए। ये सारे निर्देश हैं सरकार की तरफ से जो दिए गए हैं होम क्वारंटाइन के लिए। सबसे जरूरी ये है कि जो भी व्यक्ति हमारा बाहर से है सबसे उसकी पहचान हो जाए, उसकी लिस्ट तैयार करके जो है उसे 21 दिनों का होम क्वारंटाइन करा दिया जाए मैन कम, और उसके दरवाजे पे एक पोस्टर लगा दिया जाए उसे कहीं भी बाहर जाने की अनुमति ना हो 21 दिनों के अंदर। और बाकी जो मैंने साफ सफाई के जो बताए थे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके साथ एक एक मेन जरूरी चीज़ आती है कि अब क्या होता है कि एक तो व्यक्ति हमारा बाहर से आ गया और उसके बाद देखा जाता है, आपने देखा होगा टीवी के साथ लोग बहुत बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे चल चल के किस परेशानियों से जो है देखा जाता है वो सबको कहने के लिए अपने घर आ गया, और उसके गांव में जैसे ही घुसने वाला हो या मोहल्ले में आने वाला हो तो ऐसा ना हो कि उसे बाहर ही रोक दिया जाए कि भाई अब जाओ तुम यहाँ नहीं आओगे अब। और बहुत सी जगह ऐसा हुआ था, मैंने टीवी पर देखा था कि गाँव में घुस रहे थे लाठी डंडे लेके खड़े हो गए और घुसने में दिया बेचारा वो अपने बच्चों के साथ बाग में एक में रहा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान का। जो लोग बाहर से आ रहे हैं जरूरी नहीं है वो कोरोना पॉजिटिव ही हो, वो तो एक सावधानी के तौर पर जो है 21 दिनों का उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनको जागरूक करना है और अपने साथ इस प्रोग्राम में जोड़ना होगा। होम विजिट करनी है मेंबर्स के द्वारा, कि जो लोग आए उनके घर पर हम एक बार जाके देखें या बाहर से या फ़ोन करके भी हम मालूम कर सकते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में या किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं। मेरा अनुरोध ये है कि शेरकोट में जिस जिस दिन भी बाज़ार खुल रहे हैं, जिन जिन जैसे एक एक दिन छोड़ के व्यापारियों की प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, तो उसमें यह है कि एक अनाउंसमेंट ये हो जाए कि व्यापारी जो है ग्राहक से दूरी बना के रखे और अपनी दुकान के आगे कम से कम एक कोई सुतली बांध ले ताकि ग्राहक ऊपर न चढ़ पाए और व्यापारी भी बचा रहे, क्योंकि व्यापारी बचा रहेगा तो व्यापार का कारोबार भी उसका आगे बढ़ता रहेगा। इस पर कुछ जो आज की बैठक का निर्देश है उनका हम पालन कर रहे हैं और पालन करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि मोहल्ले में जो भी आदमी बाहर से आए, ये साहब के निर्देश ये है, इसमें ये बताया गया कि जो भी आदमी बाहर से आए उसमें जागरूक करें या तो थाने को सूचना करें या फिर उसे खुद क्वारंटीन रहे वो, मगर इतनी जागरूकता आजकल सभी में हो गई है कि वो अपने आप ही क्वारंटीन हो जाता अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपना जो जागरूकता जो है वो है वो जागरूक है। हमारे शेरपुर में ये बहुत अच्छी बात है कि एक या दो पेशेंट से ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ और अब भी जागरूक यहाँ पर हैं। हर मोहल्ले में सैनिटाइजर वगैरह काम कराया जाए, क्योंकि लोग गंदगी के लिए थोड़ी दिक्कत है, सैनिटाइजर वगैरह हो जाएगा तो उससे थोड़ी सी राहत तो मिलेगी मुक्की वगैरह से, वो दवाई वगैरह छिड़की जाए मच्छर मुक्की के लिए।
और ये बात और है कि हर शनिवार को जैसे मार्केट बंद रहता है और रविवार को, तो पूरे मार्केट में एक बार सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए जैसे बंद रहता है, क्योंकि दुकान मेडिकल स्टोर ही खुले रहते हैं और सब बंद रहते हैं। थाने में इतना करके चेकअप करा दिया गया उनका हो गया है। पहले तो मैं डीएम साहब को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, उसके साथ साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी को भी बधाई देता हूँ, समस्त नगर पालिका स्टाफ और सभासद यहाँ पर बैठे हैं उनको सबको मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जिस प्रकार से 19 कोविड का जो ये महामारी थी, इसके लिए नगर पालिका ने काफ़ी प्रयास किए हैं, सब लोगों के साथ लगे रहे हैं, लेकिन मेरा एक और छोटा सा सुझाव है, सैनिटाइजर मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैंने भी करीब 15-17 कॉपियों में मैंने अपने अपना स्वयं व्यय करके सैनिटाइजर नाली सड़कों गेट पर मैंने करने का कार्य किया है। उन्हें उसी प्रकार से मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, सैनिटाइजर का नालियों में फिर दोबारा ये कार्य किया जाए, छिड़काव किया जाए, क्योंकि अभी ये बीमारी बड़े बड़े शहरों में थी, अब ये गांव की तरफ और छोटे छोटे कस्बों में दौड़ रही है। जैसा सिरपोर तो आपने सुना था, रामसा वाले में भी सुना है, घोसी वाले में भी सुना है, इस तरह के पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह निवेदन है कि सैनिटाइजर का यहाँ पर छिड़काव किया जाए। जिस प्रकार से नगर पालिका का हाई बिल का जो बिल है, मैं समझता लाखों के उसमें तादाद में हमारा जो व्यय होता होगा, नगर पालिका हम जो नगर पालिका हाई बिल को दे दी है, तो जो यहाँ पे जो पोल जो लाइटिंग वाले पोल है उस पर जो लाइटें लगी हुई हैं, मेरा एक अनुरोध है कि सभी पे सौर ऊर्जा का जो छोटी छोटी मैं समझता छोटी छोटी लाइट है, वो सौर ऊर्जा का अगर बैटरी लग जाए तो मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी हमें राहत मिलेगी और नगर पालिका दिन दुगना और रात चौगुना होने के कगार पर होगी। इसके साथ ही वाणी को विराम बढ़ते हुए जय हिंद जय भारत। आपने जो मेंबर मतलब मीटिंग की है, सब मेंबर को इन्फॉर्म करा था आपने? सर ये मेंबर पूरे तो नहीं आए शेरपुर में जितने भी नहीं सर, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम जो नहीं आया, क्या ये उनकी समस्या है तो सर समस्या है, मतलब पूरे मेंबर जो नहीं आए क्या समस्या है? अब ये मैं थोड़े बता सकता हूँ क्या दिक्कत, आपने इन्फॉर्म किया वो नहीं आए बिल्कुल, तो क्या समस्या मतलब नगर पालिका में ऐसा मतलब क्या चल रहा है जो मतलब समस्या जो है नगर ये नाराज चल रहा है सब? नगर पालिका में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ये नगर पालिका किसी के व्यक्तिगत नहीं है, नगर पालिका एक संस्था है, नगर पालिका एक संस्था है, हम लोग शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने कराने के लिए बैठे हैं। आप अगर निर्वाचित हुए हैं तो आप ये आश्वासन दे कर कि मैं जनता की सेवा करूंगा। अरे बैठो हेलो, ठीक है ये उनका कोई इशू हो सकता है, क्या इशू है अब ये इसी बारे में सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी ना कोई। थैंक यू सर। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के सैफ वर्ल्ड न्यूज़ के स्टूडियो में कुछ सभासद, जिनका पिछले कई दिनों से कुछ ईओ साहब से लेकर कुछ नाराज़गी कुछ मान सम्मान का विवाद चल रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज बोर्ड की मीटिंग भी थी कि वो मीटिंग में क्यों नहीं पहुँचे। पहले तो मैं सैफ वर्ल्ड का न्यूज़ का धन्यवाद कहता हूँ और खालिद भाई आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मान सम्मान की लड़ाई है और हमारे बोर्ड के जितने भी सभासद हैं सब मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा मान सम्मान पूरा ना मिले और ईओ साहब अपनी गलती ना मान लें। और आज मीटिंग में ना जाने का विषय ये रहा कि हम कस्बे के गरीब लोगों के राशन बनवाना चाहते हैं, जो कि इस महामारी कोरोना की वजह से परेशान है। हमसे ये कहा कि आप 10-10 राशन कार्ड दो आपके इमरजेंसी में बनेंगे। उस विषय को लेकर हमने नगर पालिका के मीटिंग हॉल में मीटिंग ली और
काफी ध्यान रखा कोरोना की वजह से, उसकी ध्यान रखने के बाद भी हमने उन गरीब लोगों के राशन कार्ड की बात ईओ साहब से रखी तो उन्होंने सारे सभासदों को धमकाने की बात कही कि आप यहां से चले जाओ वरना मैं फोर्स बुला लूंगा, क्योंकि नगर पालिका के अंदर 25 सभासद और काफी कर्मचारी मौजूद होते हैं और हमेशा मीटिंग होती है, तो क्या हम गरीब लोगों के राशन बनवाने की वजह से मीटिंग ले रहे हैं तो क्या ये गलत है? हमने ईओ साहब से, ईओ साहब ने बात और हमसे रखी कि मैं रिकवरी निकालूंगा, तो हम उन गरीब लोगों की कैसे रिकवरी निकलवा दें जिन्हें गवर्नमेंट फ्री में चावल दे रही है और ईओ साहब कह रहे हैं कि वो चावल गरीब आदमी बेच रहे हैं। भाई हमारे सामने तो ये कोई बात आई नहीं कि गरीब आदमी चावल बेच रहे हैं। हाँ बदलने की तो एक दो जगह हमारे सामने बात आई है और मैं ईओ साहब से दरखास्त करता हूं कि वो चार दिन ये चावल खाकर दिखाएं। मैं समझूंगा कि हाँ ईओ साहब गरीब लोगों का मान सम्मान में ये चावल खा रहा है तो उन गरीब लोगों को भी वो चावल खाने चाहिए। और हम इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें गवर्नमेंट राशन देना चाहती है, मदद करना चाहती है, और हम इनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सारे सभासद लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई यही है कि हम गरीब लोगों की सारे सभासद मदद कर रहे हैं। ईओ साहब इसमें हमारे आड़े आए हुए हैं, वो राशन कार्ड को लेके रिकवरी भी निकालना चाहते थे, राशन कार्ड में उन्हें रोकी है जो 500 1000 रुपए लेकर मालदार आदमी के राशन बनाते हैं। और आपकी नगर पालिका के अंदर भी कर्मचारी मोहर लगाते हैं, हम भी मोहर लगाते हैं, मगर हमें ना तो सभासदों को पता चलता कभी, ना आपके कर्मचारियों को पता चलता, और राशन कार्ड बनकर आ जाता है, उस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ईओ साहब मैं आपसे ईओ साहब चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप तहसील में जाकर जरा धूम में जाकर जैसे सभासद जाते हैं और वो उन गरीब लोगों के राशन बनवाने की लड़ाई लड़ते हैं, आप जरा एक बार वो लड़ाई लड़कर देखिए। गरीब आदमियों के राशन बनवाने की आपने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और आप कटवाने की बात करते हैं। जब तक हम बोर्ड के अंदर हैं तो हम किसी गरीब के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। ये लड़ाई हमें कब तक लड़नी पड़े, कैसे लड़नी पड़े, जहां जहां जाके लड़नी पड़े हम बराबर लड़ेंगे। जब तक आप अपनी अपनी बात पर जाकर माफी नहीं मांगने के, हम नगर पालिका के अंदर नहीं जाने के। धन्यवाद। आज आपके नगर पालिका ना जाने की वजह भी यही रही है बोर्ड की मीटिंग में? हमारी नगर पालिका जाने की वजह यही रही है कि ईओ साहब ने फोर्स बुलाने की बात कही थी, आज हम जाते उनसे पूछते बवाल और जाने मचता, तो हमने इसीलिए जाने का ना जाने का फैसला लिया, क्योंकि मेंबर गुस्से में थे, वो मालूम करते कि आज हमें क्यों बुलाया गया और कल उस दिन क्यों फोर्स बुलाई जा रही थी। तो इस बात को लेकर हमारी कुछ सभासदों ने, सीनियर सभासदों ने राय दी कि हमें झगड़ा नहीं करना है। हमें मौजूद है दूसरे सभासद, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज मीटिंग में ना जाने की वजह क्या रही है। क्योंकि नगर पालिका मीटिंग अटेंड ना करने की वजह यही है जो हमारे सभासद पति कमरुद्दीन ने बताया। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ईओ साहब ने हमें बहुत ज़्यादा अपमानित किया है, हम गरीबों की लड़ाई अगर लड़ते हैं तो हम अपमान सहेंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ईओ साहब से हम चाहते हैं कि ईओ साहब हमसे माफ़ी मांगे और हम सुचारू रूप से नगर पालिका में लोगों के काम के लिए जाना शुरू कर दें, अन्यथा जब तक ईओ साहब माफ़ी नहीं मांगते हम नगर पालिका में नहीं जाएंगे। वो किसी भी तरह की मीटिंग ईओ साहब माफ़ी मांग ले, हम तैयार हैं मीटिंग, हर मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं बरकतुल्ला सभासद वार्ड नंबर 8 से, नगर पालिका में राशन कार्ड के बारे में हम सब मेम्बर इकट्ठे हुए थे, जिसको ईओ साहब ने लेकर हमारे पप्पू ग्रेसिया उन्हें बुलाया और उन्हें धमकाया अगर इन सब मेम्बरों को भगा दो अन्य मैं पुलिस फोर्स बुलाकर इनको धक्के मार के निकाल दूंगा। तो हम सभी मेम्बरों में रोष है कि जब तक ईओ साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम नगर पालिका में कदम नहीं रखेंगे। रिकवरी नहीं निकलेगी, कोई रिकवरी गरीबों के लिए नहीं निकलेगी। अनाथ गरीबों की रिकवरी निकालेंगे, गरीबों के साथ ये करेंगे, गरीब पर अनाज बेच रहे हैं, सारे काम गरीब कर रहे हैं, मालदार कुछ कर ही नहीं रहा। तो हम ईओ साहब से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम गरीबों का ध्यान रखा जाए और मेम्बरों का सम्मान करा जाए जब भी हम नगर पालिका में जाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सभासद पति अफजाल अहमद साहब वार्ड नंबर 20 से, हम उनसे भी जानना चाहेंगे
कि आखिर बोर्ड की मीटिंग में ना जाने की नाराजगी क्या है? मैं आप सभी सदस्यों के साथ हूँ और साथ रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ बहुत ज्यादती हो रही है शेरपुर नगर पालिका में, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर जगह नगर पालिका सही चल रही है, हर जिले में इस शेरपुर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है वार्ड वालों को, जितने भी यहाँ है वार्ड वाले आके हमें परेशान करते हैं, हमारे वार्ड वाले यानी सोचते हुए खाना खाते हुए, तो हम कब तक सफर करेंगे जब कोई काम नहीं होता, तो बताइए आप। जैसा अफजाल भाई की शिकायत है कि वार्ड का कोई काम नहीं हो पाता है और वार्ड के जितने भी सदस्य हैं, जो भी वार्ड की पब्लिक है, वो इनसे आके सवाल करती है। मान सैफी के साथ खालिद खान, सैफवर्ड न्यूज़।